नमस्कार, घमासान.com की खास पेशकश दे दनादन में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है हिंदुस्तान की आबादी। हिंदुस्तान की जो आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज से नहीं लगभग 50 साल से हम बात सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं हो पाया। हमेशा की तरह हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सारे जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर लगातार भाषण देते रहे हैं कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकती है। वर्तमान में दुनिया भर की बात करें तो चाइना की आबादी 138 करोड़ से अधिक है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान की आबादी लगभग 133 करोड़ से आसपास है। ऐसी स्थिति में जब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि देश की आबादी कम करना जरूरी है, हालांकि उन्होंने कोई नया नारा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक बात छेड़ी है, उन्होंने हम दो हमारे दो जैसे पुराने नारे को न तो रिपीट किया और न ही कोई नया नारा दिया, न ही उन्होंने नसबंदी को लेकर कोई अभियान चलाने की बात कही। बस मोदी ने तो कहा कि समाज इस विषय पर बात सोचे और आगे बढ़े। मोदी की इस बात के बाद इस हिंदुस्तान में एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि आखिर देश की आबादी कैसे कम होगी। आमतौर पर ये कहा जाता है कि देश की जो आबादी बढ़ रही है उसके कारण लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि पिछले दिनों माहेश्वरी समाज के मुख्यालय में ये बात हुई कि समाज की जो है जनसंख्या कम होती जा रही है, यदि यही हाल रहे तो 20 साल में माहेश्वरी समाज सिकुड़ता जाएगा। कुछ लाख लोग माहेश्वरी समाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। इस समाज के लोगों ने जब ये ऐलान किया कि समाज की आबादी बढ़ाओ, तो उसके लिए बहुत ज़ोरदार जो है पहल करते हुए उन्होंने ऐसे लोगों को जो दो से ज़्यादा बच्चे को जन्म देंगे, ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करने की बात भी कही। बाकायदा उसका फिगर भी जारी किया गया कि हम कितने लाख रुपए ऐसे परिवारों को देंगे। जब ये बात उनसे पूछी गई तो उनका एक कहना था कि माहेश्वरी समाज में लड़कियों की संख्या 100 में से 90 हैं और लड़के 100 में से 100, यानी कि लड़की और लड़के के बीच का जो ये अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि यदि आबादी बढ़ेगी तो लड़के ही ज़्यादा होंगे या लड़कियों का ही जन्म ज़्यादा होगा। एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को सोचने की ज़रूरत है। वैसे इस हिंदुस्तान के संजय गांधी जैसे नेताओं ने सन 1975 में आपातकाल के समय की बात है सोच लिया था और नारा दिया था, हम दो हमारे दो। आज भी ये नारा ट्रक पर, टेम्पो पर, टैक्सियों पर लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन नसबंदी अभियान के फ्लॉप होने के बाद ये काम बंद हो गया। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को आखिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान की आबादी यदि यही हाल रहे तो चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।